हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एसआई यूनिट। इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल एंड यूनिट ऑफ टाइम इज हाफ, देन फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी इन न्यू यूनिट्स। तो इसमें हमको न्यू यूनिट बतानी है जी की, अगर लेंथ डबल हो जाए और टाइम हाफ हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम लोग यूज करेंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से n1 m1 l1 t1 इज इक्वल टू n2 m2 l2 t2। अब यहाँ पे ये m1 जो है वो पुरानी डायमेंशन है और जो m2 है वो नई है। तो 9.8 हमारी शुरुआती है, तो 9.8 इंटू उसमें लेंथ l ही है और t की पावर -2 उसकी ऐसा यूनिट के हिसाब से आया है, और जो n2 है वो नई है। तो नई के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ की यूनिट डबल की है तो 2l हो गया, और टाइम की यूनिट हाफ की है तो t/2 हो गया। अब t/2 की पावर है -2, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। तो यहां से वैल्यू निकल कर आ जाएगी n2 की 9.8 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.225। तो इसका मतलब हमारी जो नई डायमेंशन, नई न्यूमेरिकल वैल्यू है जी की नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, वो है 1.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So, do subscribe to my channel and like this video and share with your friends. और ऐसे questions इस channel पे आते रहेंगे। Thank you for watching this video.